जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। सो भाई, जिम से आ गया हूँ घर, और अभी क्या सीन अभी मेरे को बनाने हैं ज़रा क्लाइंट्स के डाइट प्लान। और अभी थोड़ी देर बाद गुरप्रीत ने भी आना है, पहले काम निपटाऊंगा अपने सारे, और अपने को जाना है आरी की एजेंसी में। एजेंसी क्यों जाना है वो मैं आपको बताता हूँ यार, पहले काम निपटा लूँ और गुरप्रीत आ जाए, गुरप्रीत से मिलाता हूँ और फिर अपन जाते हैं आरी की एजेंसी। पहले काम ख़त्म करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। सो गाइज, अभी मैं शूट कर रहा हूँ गोप्रो से, और यार एक सेकेंड, हाँ गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे फ़ोन में इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है कि रिकॉर्डिंग करते 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 उसमें ना आवाज़ बीच में बंद रहती है, आवाज़ रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। तो गुरप्रीत आई गेस आ रहा है, तो जाना क्या है, सीन क्या हुआ है? सीन अपना हुआ है कि अपने जो सुपर मेटियो 650 है ना भाई, उसके साथ हो गया है कांड, छोटा सा, छोटा तो नहीं बोलूँगा, हाँ वैसे छोटा ही है, बड़ा हो सकता था, बड़ा यानी कुछ भी हो सकता था बाइक चलाते हुए। थोड़ा सा अंधेरा यार, बाहर जाता हूँ जरा, थोड़ा बड़ा कांड हो सकता था, वो कांड हो के सकता था। ओ भाई, पैर पड़े बड़े जोर के बाइक पे। वो बड़ा कांड क्या हो सकता था, उसमें चक्कर क्या हुआ अपना, मैं ना वीडियो डालता हूँ पहले आपको, ये वीडियो देखो जो मैंने कल रिकॉर्ड की थी, छोटा सा क्लिप सुपर मीटियोर के। तो क्लिप आपने देख लिया, तो देखो यार सीन क्या हुआ है, जो स्प्रॉकेट है ना उसके सारे नट हो गए लूज, नट लूज़ नहीं हुए, अपना जो हब के अंदर लगता है ना, यानी ऊपर टाइट करने वाला है वो टाइट नहीं हो रहा, अंदर वाला जिस पे टाइट करते हैं ना वही फ्री हो गया है, यानी अंदर से चूड़ियाँ बिल्कुल फ्री हो गई है अंदर से। तो हमने सोचा कि चलो टाइट कर लेते हैं कल, तो यार टाइट करना कोई सोल्यूशन था अपने को, था कि सीधा एजेंसी में खाएंगे। तो कल हमने बाइक छोड़ दी थी डीलरशिप में, तो अभी आज बाइक लेने जाना है, ठीक है? तो देखते हैं, उन्होंने बोला है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था बट हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप बाइक चलाओ 1500 किलोमीटर, तो उसके बाद देखते हैं। तो बाइक लेके आते हैं, बाइक अभी गुरप्रीत आएगा, देन बाइक लेने जाएंगे, या गुरप्रीत जाएगा या फिर, क्योंकि मुझे थम्पर्स कैफे भी जाना है, कि हमारा सामान भी आ रखा है वो भी देखना वहाँ जाके, क्योंकि अपनी एक राइड भी आ रही है, बहुत बड़ा इवेंट है जो हर साल होता है, उसकी थोड़ी तैयारी है तो उसके लिए भी जाना है। और दूसरी चीज़ है कि बाइक का पता लग जाए, सीन क्या हुआ, क्या ये हो कैसे गया, क्योंकि भाई वो भी शौक है कि ये चल क्या रहा है। और एक चीज़ और है यार, वहाँ पर अपने को कल राइड पे, हम कल घूमने गया था फैमिली के साथ, तो वहाँ पर गुरप्रीत भी गया था, तो वहाँ बोला था बंदे ने हमें कि यार सुपर मीटियोर में सुना है स्प्रॉकेट रिलेटेड इशू भी आ रहा है, और इशू क्या आना था, वो इशू आ गया भाई अपनी बाइक पे। तो एक बार देखते हैं, देन आपको अपडेट देता हूँ क्या सीन है। हाँ तो भाई गुरप्रीत आ गया, हेलो। और अब करते हैं इसको स्टार्ट और चलते हैं पहले थम्पर्स कैफे यस और फिर जाएंगे एजेंसी, और अब बढ़ाते हैं पेट्रोल, पेट्रोल की रह गई है इसमें 3-4 डंडियाँ चल रही हैं, तो फ्यूल पुराना बाइक गंदी पड़ी है, इसको भी एक ना तसल्ली वाली दवाई की जरूरत है। बैठो चलते हैं पहले फ्यूल ऑफ कराने, 33 करा लूँ फिर अब, है ना? हाँ तो सोचे चीज़ें कराते, पहले सोचा कि अठाई से कराऊंगा फिर। तो चलते हैं थम्पर्स कैफे। ओके, अरे ये क्या चल रहा है एकदम से ब्रेकिंग, मोटू और पतलू की जोड़ी। नहीं, जैसे उनको ओवरटेक मारने लगा उन्होंने दे दिया राइट का इंडिकेटर, और बीच में कोई कट भी नहीं है, राइट मुड़ के पता नहीं कहाँ जाना है हर किसी ने। ये भाई साहब उधर क्या ढूंढ रहे हैं, कोई इशू नहीं, चलो वहां से आ गई है उमेश की। वाह बहुत शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनको देते हैं हम 100 तोपों की सलामी। और आज समझ नहीं आ रहा, दुनिया आज ऐसे चल क्यों रही है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है।
टेढ़ा मेढ़ा चलने में लगा हुआ है। एक तो यहाँ पर रोड इतना खुला है चंडीगढ़ में, और कई गाड़ी वाले हैं जो चलते हैं रोड पे 20 की स्पीड चला ले भाई, चला ले, इतना गैप दे के चल रहा है। अबे नाक से चूहे निकाल रहे क्या ये गाड़ी के अंदर? हाँ भाई नाक से चूहे निकाल रहे हैं। अजीब जानवर है भैया ने चलाए हैं जगजीत सिंह टाइप की गाने ऑटो में, और अंदर जो बैठे हुए हैं वो खोए हुए गाने सुन के अलग ही दुनिया में पहुंचे हुए हैं। लगता है ना कुछ हो गया फाइंडिंग समथिंग जड़ी बूटी, क्या लगता है क्या ढूंढ रहे हैं? नॉर्मल डालूंगा बाइक से ज़्यादा गंदी है अपने आदमी से पेट्रोल जैसे जो भी अभी लास्ट में एक्चुअली 95 डाला था वो कभी कभार डालता हूँ, तो नॉर्मल पेट्रोल का रखेंगे अपन। नो अंकल जी नॉर्मल बंद है ऑन है। अच्छा ट्रिप इशू ट्रिप ऑटो रिसेट हो गए, और जो कल तेल डाला था मैंने 400 का, अब उसका माइलेज तो नहीं कर रहा, बट जब मैं वापस आया था अप्रॉक्स 144 चल चुका था, तो 7 मिनट चल रहा है एटलीस्ट, इसने 26-27 के एवरेज चल दिया है राइड पर। तो कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया जैसे कहा था, मैं वाइफ के साथ था तो भाई पर्सनल टाइम चाहिए था थोड़ा सा, तो वहाँ भी ब्ला 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 लगा रहूँगा, तो इसे कल ब्लॉग शूट नहीं किया। तो मजे करिए कल अपन, नहीं बहुत ज़्यादा मजे करे। कल गए थे हम जटोली महादेव, अभी जा रहे हैं अपन सब बस, तो भाई देखो ध्यान से क्या करना भाई। हाँ यार भाई के टक्कर आ जाए थोड़ा मजा आ जाएगा यार। ओ जूते वाले भैया नो वन इज देयर। हाँ हेलो 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 वाले टूटी चेन वाले। चलो 1 hour later अभी के यार भाई भाई बाहर इंटरसेप्टर पे ना अपन बोल गए थे पावर ट्रॉनिक का चेक करने में, उसको कुछ काम चलने रहे, तो बस अभी चाय पियेंगे और गुरप्रीत और मैं निकलेंगे सीधा एजेंसी की, और उसकी बाइक उठानी है वहाँ से यार। शुरू नहीं मेरे से ले लियो घर से, वो तो मेरे पास ले लियो घर से कोटी कोई ना है। और देखते हैं काम क्या है, वैसे उन्होंने बताया है कि बाइक में काम क्या हुआ है कि उसके उन्होंने नट टाइट कर दिए हैं, कहते चूड़ियाँ उसकी फ्री नहीं हुई है, सब ओके पड़ा है, कह रहे हमने टाइट कर दिया है, बाकी सर्विस उनकी सर्विस हो गई है, तो कहते होता नहीं है ऐसे, बट पता नहीं कैसे हो गया है भाई, ये तो अपने को नहीं पता ठीक है कि ऐसे वैसे लूज़ होना है चेन नट कभी, अगर किसी के साथ हुआ है तो बताना यार कमेंट में किसी के लूज़ हुए हैं नट ऐसे, क्योंकि ये सिर्फ अपने साथ भी और बाइक में भी इशू आ रहा है ये पता लगना ज़रूरी है, तो फिर ये कंपनी की तरफ से बाइक में फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि स्प्रॉकेट के नट लूज़ होना यार मजाक नहीं है, क्योंकि इतनी बाइक पे पावर है तो सारा कुछ नटों ने झेलना होता है, और ठीक है अगर वही लूज़ होंगे तो भाई कैसे बातचीत बनेगी, तो एजेंसी जाएंगे, पर उन्होंने बोला है कि 1500 किलोमीटर आप चलाना बाइक, उसके बाद देखते हैं अगर होता है कुछ ऐसा, और मेरे हिसाब से ना ही हो तो बढ़िया है। अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो अभी जा रहे हैं सीधा एजेंसी। और अरे बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठ कर? ये करेटा वाले भैया लगता है यूके से आए हैं, इनकी लेन अलग है। ओहो मिट्टी
चलो बिलिंग रहते हैं। यस। ओ भाई। और गुलशन जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बताओ कैसे हो? हो गया इसकी बाइक कितना सीन? मैंने तो ये देखो कुदरती था कर हम स्लो आ रहे थे। हां खुद भाई हैरान है भी ऐसे कभी किसी को हुआ नहीं। पहला चांस है। उनकी किस्मत थी हम वैसे स्लो चला रहे थे बाइक। मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था और होल्ड एंड वेट डू नॉट टच एनी पार्ट कीप अनटच। हमें कुछ नहीं चढ़ा। बाद में उनका मैसेज आया अब कल को दोबारा ना वैसे तो होगा नहीं। अगर लगता है मैंने तभी उनको बोला 1000 किलोमीटर चला के मेरे को बताना। अगर कुछ आ गया तो उसी टाइम आएगा ये आपने बोला था अब बताओ। वही है अंदर से अगर मैं आपको ना बताता अगर मैं आपको भी ऐसे टाइट करके भेज देता नहीं जी कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। 650 का पहले वो देखेंगे क्यों है। और ये अंदर से लूज हुआ ना? नहीं बाहर से था। अंदर से तो फ्री रखा था बिल्कुल। देखो सारे नट टाइट हो गए। टाइट हो गए। मैं तो खुद हैरान है। हाँ दे दो इन्हें कपड़े वाले से कुछ दे दो। तो गाइस ये वाले नट है ये लूज हो गए थे इससे पूरे। अच्छा इसमें लेंथ छोटी है बड़ी है क्या इनके नटों की? अच्छा तो हमें लगा लूज हो गए बाहर आ गए। नहीं नहीं सवेर तक ठीक सी है यार। ये देखना इतने छोटे लंबे होते हैं सारे होना नहीं देखिए उसके उसके टाइम है नहीं यार देखिए इसके सारे नट बराबर है यार ये वाले हैं। इसका एक बाहर है एक अंदर है। फुल स्टैंड लगी इधर इसका फुल स्टैंड लगाइए। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कंपनी ने दोनों इसमें स्प्रॉकेट में क्वालिटी डिफरेंस क्यों है। ये वाला नट है ये लंबा है ये वाला लंबा है ये थोड़ा शॉर्ट है ये बिल्कुल शॉर्ट है और इसका ये दोनों सेम है बाकी बड़े हैं तीन। ये देखो ये बड़ा है ये फिर और बड़ा है फिर और बड़ा ठीक है चक्कर है बकचोदी है सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इसका देखेंगे दिख रहा होगा इसे इसके सारे बराबर है यार। हाँ इसके सारे नट बराबर हैं ये क्या चक्कर है। ये तो अलग ही सीन है यार। अब देखते हैं बाइक का सीन कि भी गुलशन जी आएंगे जो यहाँ है मैनेजर हैं सर्विस इंचार्ज सब देखते हैं जो करता धरता है जो इस एजेंसी के तो डीलरशिप के तो यहाँ पर जो सर्विस उसके हैं सॉरी इतना कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं पता नहीं क्या यार दिमाग कहाँ चल रहा है। पर यार ये बहुत भारी चल रहा टायर। गुलशन जी तो यार ये तो सीन ऐसे बाइक हमने छोड़ दी एजेंसी में और चक्कर क्या पड़ा कि पास नट सारे टाइट कर दिए बट उसके जो नटों की लेंथ आपने देखी भाई छोटी बड़ी है तो अपने को रिस्क होनी चाहिए और टायर चल रहा था उसका बहुत भारी टायर चल रहा था यार तो वो दिक्कत आ रही है। तो अभी तो भाई बहुत लेट हो गया मुझे बहुत लेट हो गया और अभी जा रहा हूँ जिम की ओर जा रहा हूँ तो क्लाइंट पहुँच गया यार लेट काफ़ी हो गया है ब्लॉग आज तो बाकी तो यार देखते हैं आपको अपडेट दूंगा इसको क्या दिक्कत है बाइक में क्या इशू है क्या सॉल्यूशन था इसका कैसे ठीक हुई है। पर मुझे समझ नहीं आया इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि नट छोटे बड़े आ रहे कंपनी के हैंड से। तो फिलहाल तो चलते हैं घर फिर निकलते हैं जिम और व्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ और गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों बाय एंड टेक केयर।